जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉनी हंस, पोएट ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज है और एक केस स्टडी भी है जिसकी समरी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कैसे इंडिया से बिना इनकम टैक्स रिटर्न लगाए हुए भी टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो जाता है। हाल ही में वीजा आया आर्यन का, आर्यन संजय नार्वेकर, ये मुंबई से हैं और इनकी जो जो टूरिस्ट वीजा की फाइलिंग है हमारी टीम ने की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अहम चीज है कि बहुत नॉमिनल से फंड्स के साथ और उसके साथ साथ बिना इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाए हुए भी टूरिस्ट वीजा आ जाता है। मेरा नाम आर्यन है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैंने कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया था। मैं फर्स्टली थैंक यू कहना चाहूँगा जॉनी हंस और उनके पूरे CCS टीम का, उनकी वजह से मेरा वीज़ा एक मंथ में ही आ गया, विद इन अ मंथ मेरा पूरा प्रोसेस हो गया। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम। दो लोगों का नाम मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, वो है परम और श्रुति। उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में, बहुत ही अच्छे वे में मुझे हेल्प किया, गाइड किया और मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, सब उन लोगों ने हैंडल किया, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर गाइडिंग एंड हेल्पिंग मी आउट। अगेन थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ जॉनी हंस एंड CCS, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन है कि यंग एज जो होती है उसमें टूरिस्ट वीजा नहीं लगता, क्योंकि वो कहेंगे कि हाँ भाई इसने वापस नहीं जाना। तो इस चीज को भी मैं खारिज कर देता हूँ कि आर्यन की जो एज है काफी यंग है, अभी कुछ ही आगे जाके मैं उनके व्यूज भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप यंग एज में हैं, 16, 17, 18, 25, 23, एज इज नॉट अ बार, तब भी आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो अप्रूव हो जाता है। उसके साथ साथ मैं और चीज बता दूं कि फंड्स कैसे दिखाते हैं, ये एक अहम चीज है। सबसे पहले हम डालते हैं नजर आर्यन के केस पे कि कब हमने फाइलिंग की और कितनी देर में इनका जो वीजा है अप्रूव हो गया। आप बहुत हैरान हो गए इस चीज से लेके कि इनकी जो प्रोसेसिंग को ना एक महीने से भी कम टाइम में इनका टूरिस्ट वीजा अप्रूव हुआ है। चलिए मारते हैं इनकी इनकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर नजर मारते हैं और अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इनकी जो फाइल एक्चुअली लगी है वो 17th of February को लगी हुई है। उसके बाद देखिए इनका बायोमेट्रिक्स कलेक्शन का लेटर आया और 3rd of March 2024 को पासपोर्ट रिक्वेस्ट डिसीजन, यहाँ पे देखिए 2 मार्च को ही उन्होंने ले लिया था अप्रूवल का और 3 मार्च को उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। अगर किसी को पासपोर्ट रिक्वेस्ट देखनी है, जी हाँ दोस्तों, ये रही उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो चीख चीख के ये कह रही है कि अगर किसी की एज यंग भी है तब भी टूरिस्ट वीजा कनाडा का हो जाएगा और अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भी है ना तब भी कोई बात नहीं, आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो अप्रूव हो जाता है। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें जब मर्जी आप ईमेल कर सकते हो हमारी इंडिया टीम को apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। हाँ, अगर आप हमारी कनाडा की टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ईमेल दे रखी है, apply@studybuddycanada.com। अब मैं बात करता हूँ कुछ और अहम चीज़ों की। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की कंफ्यूजन है कि भाई अगर आपके पास इनविटेशन जो लेटर है वो कितना मायने रखता है। अब आर्यन के केस में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आर्यन के केस की जो खासियत थी वो स्ट्रॉन्ग चीज ये है। आर्यन ने ट्रेवल पहले कुछ कंट्रीज में कर रखा है, उसके साथ साथ इन्होंने अपने फंड्स भी दिखाए थे। बट एक अच्छी एक और खास चीज इसमें आपको ये दिखने वाली है कि इनकी जॉब की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली ही इज यंग, ही इज वाइब्रेंट एंड ही हैज बीन स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू द अदर, तो ये केस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनकी जो इनकम थी या जो भी इनकी अर्निंग है उसकी इनके पास इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं थे, उसके बावजूद भी इनका जो कनाडा ने टूरिस्ट वीजा अप्रूव किया। अगर आपके केस में, चाहे वो आपका कितना भी खराब केस है, मान लीजिए आपके 7 और 8 रिफ्यूजल्स आ चुके हैं, अगर बैन नहीं ना हुआ तो आप हिम्मत मत हारिए, आपको कनाडा का टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। यही नहीं, जब आप कनाडा आ जाते हो, अगर आप घूमते फिरते हो और आपको लगता है कि आपको कनाडा में एज अ वर्कर रुकना है तो आप कनाडा का वर्क वीजा भी अप्लाई कर सकते हो कनाडा में आने के बाद। पर अगर आपको लगता है कि आपने स्टडी करनी है तो आप अपने टूरिस्ट वीजा से स्टडी वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है।
बट हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि टूरिस्ट वीजा के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, चाहे आप फाइल खुद लगा रहे हैं या फिर हमारी टीम फाइलिंग कर रही है। सबसे अहम बात होती है कि आपका जो टाइज है होम कंट्री के साथ, वो स्ट्रांग दिखाने जरूरी होते हैं। अगर आप दिखा देते हैं, आपको उसकी पॉजिटिव उसका फायदा मिलता है। हाँ, फंड्स आपको दिखाने जरूरी होते हैं कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको कनाडा आने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे रुकने का खर्चा, वापस जाने का खर्चा, वो सारा तरीके से प्रोसेस करके दिखाना पड़ता है। एक अहम चीज हमारी टीम जो करती है, दैट्स अ कंप्लीट ट्रैवल प्लान, कि हाँ भाई, आपका सारा प्रूफ दिखाना उस ट्रैवल प्लान का, कि आप कैसे यहाँ पे आओगे, कहाँ पर रुकोगे, कितने दिनों के लिए रुकोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, उसके बाद आप अल्टीमेटली टेक ऑफ कहाँ से करोगे, वेर आर यू गोइंग टू लीव फॉर योर होम कंट्री फ्रॉम, तो वो सारा प्लान हमारी टीम बना के बताती है। तभी बैक टू बैक यहाँ हमारी टीम की जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती हैं, तो अगर कैनेडा का टूरिस्ट वीजा आपके दिमाग पे है तो आप सही चैनल देख रहे हो और सही वीडियो देख रहे हो। आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में लगानी है, PR की फाइल लगानी है, पूरी की पूरी फैमिली ने अगर कनाडा मूव होना है, उसके साथ साथ ये तो आर्यन की है, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बिप लोब के केस के ऊपर, पूरी मैं केस स्टडी एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इनका भी टूरिस्ट वीजा अप्रूव हाल ही में हुआ है, सो आई विल शेयर दैट एज वेल विद यू। और अगर आपने स्टडी वीजा भी लगवाना है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगवाना है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आज की ये जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी टूरिस्ट वीजा के केस में, जो केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की, दैट वुड रियली हेल्प यू। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर आप आर्यन को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो हमें बता सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें बता सकते हैं बेझिझक। और अगर इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस YouTube चैनल और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रख।